एग्जाम डेट से रिलेटेड एक नोटिस है जो 2 दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पे सर्कुलेट कर रही है या फिर कर सकते हो कि वायरल हो रही है। अब बहुत सारे कैंडिडेट द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या ये नोटिस है जो सही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस नोटिस में आपको यही बताया गया है कि CVT1 का एग्जाम डेट है जो 27 मई को रखा गया है, यानी कि CVT1 27 मई से शुरू हो जाएगा और कैंडिडेट अपना ई कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड 23 में से डाउनलोड कर सकते हैं, 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये जो नोटिस है वो रियल है या फिर फेक है। तो फ्रेंड्स ये रहा वो नोटिस जो कि 2 दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पे काफी सर्कुलेट कर रहा है। अब इसमें हेडिंग देखा जाए तो नोटिस ऑन फर्स्ट एचएस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और टोटल जो शेड्यूल है दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट एचएस सीबीटी तो 27/5/2019 यानी कि 27 में से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखे तो यहाँ पे डेट एंड सिटी ये सब कब से कैंडिडेट चेक कर सकते हैं या फिर ट्रेवल पास जो SC/ST कैंडिडेट है कब से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ई कॉलेक्टर कब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए ने यहाँ पे डेट दे दिया है कि 17/5/2019 से डाउनलोड कर सकते हैं कैंडिडेट या फिर अपना ई कॉल लेटर ये सब के बारे में जान सकते हैं। और इसके बाद ई कॉल लेटर कब से डाउनलोड कर सकते हैं कैंडिडेट तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 4 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ CVT ऑफ द कैंडिडेट, यानी जिस दिन CVT रहेगा उसके 4 दिन पहले से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का लिंक भी इन्होंने दे दिया है डेट की 12/5/2019 से मॉक टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये दोस्तों काफी ही वायरल हो रहा है, काफी सर्कुलेट कर रहा है। अब देखिए इतना ही नहीं, इसमें आपको 2.0 देखे इसमें बोल दिया गया है कि कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि CVT1 कैसे होगा, कितना मिनट आपको टाइम मिला जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना निगेटिव मार्किंग रहेगा। और डेट आप लोग देखिए तो जारी किया गया डेट है इस नोटिस का डेट 1/4/2019 यानी कि आज से 2 दिन पहले का, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब गौर से आप लोग इस नोटिस को देखिएगा दोस्तों तो इसमें आपको कहीं पर भी कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देगी। जिस तरह से प्रीवियस में एग्जाम करवाते आ रही है रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने फोटोशॉप किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। जैसे कि देख सकते हो कि आप लोग 10 दिन पहले जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला रहता है उसके 10 दिन पहले आप लोग अपना एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट और ये सब चेक कर सकते हो ट्रेवल पास के बारे में, और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो सारा कुछ डेटा उन्होंने इसी तरह से लिख के फोटोशॉप किया है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक जितने भी 21 जोन के वेबसाइट है किसी पे भी दोस्तों अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया इस नोटिस के रिगार्डिंग, इसीलिए 100% इसको आप लोग फेक मान सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको 100% फेक मान सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस नोटिस का जो डेट बताया गया है वो 1/4/2019 बताया गया है, मेंशन है, लेकिन आज 3 तारीख है और अभी तक जितने भी 21 जोन का ऑफिशियल वेबसाइट है कहीं पे भी आपको कोई भी इस तरह का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। एक और बात फ्रेंड्स, जो आपका ये हेडर यूज किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट करके दिया गया है जो कि बिल्कुल ही मॉफ्ड है। रेलवे भर्ती बोर्ड इस तरह से इतना बड़ा हेडर कभी भी नहीं यूज करती, तो इसलिए किसी भी जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है, ना ही कोई मेल्स और ना ही कोई ट्विटर पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग इसको 100% फेक मान सकते हो इस डेट को। और फ्रेंड्स देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पे मॉफ्ड किया है। देखिए किसी भी कैंडिडेट के लिए ये एक्सपेक्ट करना कि कब से CVT एग्जाम कंडक्ट होने वाला है कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्शन जो खत्म होने वाला है वो 23 मई को ही खत्म होगा, इसके बाद भी 1-2 दिन 3 दिन आपका बिजी शेड्यूल रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो लास्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम कंडक्ट होगा या फिर अगर लास्ट वीक ऑफ मई में नहीं भी होता है तो जून में आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। और इसी का फायदा लेते हुए इन्होंने एक अच्छा डेट यहाँ पे 27/5/2019 दिया है कि इस डेट से आपका CVT1 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अभी तक दोस्तों फेक है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका कोई भी अपडेट नहीं है। तो इस तरह के नोटिस से बिल्कुल ही आप लोग बचे और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आएगा दोस्तों उसी पे आप लोग बिलीव करें, इस तरह के केसेस देखने को मिलते रहेंगे। रेलवे ग्रुप डी में, ALP में भी इस तरह के केसेस आते रहते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस पे ही आप लोग बिलीव कीजिए। और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो उसका इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दूंगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए